नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के बाद संभोग और भोजन की जो पूर्ति है वो कैसे होगी। दोस्तों, ये सवाल किसी का था और बहुत टाइम से वो ये सवाल पूछ रहे थे। उनसे यही कहूँगा और उन सबसे कहूँगा जो मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के बाद इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसके बाद आप इस बारे में सोचोगे कि भाई कि मेरे भोजन का क्या होगा या मेरे संभोग का क्या होगा, या वो लत तब सडनली ख़त्म हो जाएगी, मोक्ष एक बार ही आपने अचीव कर लिया। ये कोई वस्तु नहीं है जिसको पाने के बाद आपकी इच्छाएं ख़त्म हो गई। मोक्ष की तरफ जो भी इंसान बढ़ता है वो धीरे धीरे अपनी आसक्ति इस पृथ्वी लोक की सभी भौतिक चीज़ों से घटाने लगता है, और भौतिक ही नहीं भावनात्मक चीज़ों से भी। मोह का त्याग करने लगता है, लोभ का त्याग करने लगता है, अकड़ का त्याग करने लगता है, घमंड का त्याग करने लगता है, गुस्से का त्याग करने लगता है। वो हर चीज़ जो उसको इस जीवन के बंधनों में बांधे रखती है, वो हर चीज़ जो भौतिक रूप से हमें यहाँ बांधे हुए है, प्यार का यूं कह लीजिए भावनात्मक तौर की जो अगर हम बात करें तो, जो कहते हैं ना हम शब्द कहते हैं अक्सर ईश्वर के लिए कि वो निर्मोही हैं, वो सुख में भी सामान्य हैं, दुख में भी सामान्य हैं। दुख में जो ज़्यादा व्याकुल ना होने वाले, सुख में जो बहुत ज़्यादा खुश ना होने वाले, उनके लिए हर वो परिस्थिति सेम है। नया साल आया तो हम लोग पागल हो गए कि नया साल आ गया, पार्टी करो रात को ही। पर किसी उस इंसान के लिए जो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा, उसके लिए नया साल बस एक नया दिन है, एक और दिन है जैसे बाकी दिन थे। उसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा। उसके अलावा भौतिक सामान, भोजन है, उसके पीछे ऐसी आसक्ति नहीं कि वो जानवरों को खा रहा है, उनकी लाशों को खा रहा है। संभोग के पीछे ऐसी आसक्ति नहीं कि वो पागल हो रहा है कि कोई ना कोई मिलना ही चाहिए। भौतिक सुख साधन, मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास इतना अच्छा मकान हो, इतने बढ़िया कपड़े हों, मैं इसको चिढ़ाऊँ, इसको दिखाऊँ, इसको जलन पैदा करूँ, ये सारे भाव घटने शुरू हो जाते हैं। वो एक ऐसा पड़ाव है मोक्ष के, जहाँ आप पहुँचते हो तो आप उस ईश्वर में विलीन हो जाते हो। जब बूंद सागर में जाके मिल गई तो उसके बाद जो परम आनंद है, जो परम सुख है, उसकी प्राप्ति तो हो ही गई। ये छोटे मोटे सुख, भोजन के सुख, सेक्स के सुख, ये तो मायने रखते ही नहीं, कहीं खड़े ही नहीं है उसके सामने। अभी तक हमने ईश्वर की जो वाकई में कृपा है उसका सुख हमने उठाया ही नहीं है। ईश्वर में हम जब तक विलीन ही नहीं हुए हैं तो उस ईश्वर का आनंद कैसे हम उसके कंपैरिजन कर सकते हैं फूड से या सेक्स से। ये भौतिक ऐश्वर्य, सुख साधन, सेक्स, फूड, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं आनंद के विषय में। इतनी छोटी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जब हमें वो परम आनंद प्राप्त होगा उस ईश्वर में विलीन होने पे। और ऐसा नहीं है कि मोक्ष पाने के लिए कि आपको जबरदस्ती इन चीज़ों को ख़त्म करना है। बहुत लोग होते हैं कि इन आसक्तियों को जबरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनके मन में भाव है, उनका मन कर रहा है लड्डू खाने का, पर वो लड्डू नहीं खाएंगे, और उनका मन बार बार कुंद हो रहा है, उनकी आत्मा तड़प रही है उस स्वाद के लिए, उस सुगंध के लिए, और वो सोचते हैं कि हमने ये त्याग दिया तो अब हम प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। और पता चलता है प्रेत योनि में धक्के खा रहे हैं उसी लड्डू को के स्वाद को, रस को लेने के लिए किसी के शरीर पर सवार हो रहे हैं, जिसका परित्याग उन्होंने अपने जीते जी कर दिया था, ये सोच के कि भाई मुझे सिर्फ यही चीज़ें खानी है, मुझे वो चीज़ें नहीं खानी, मुझे इतना खाना है, मुझे इतना नहीं खाना। सबसे बड़ी बात है आप इस बात को समझिए कि आसक्ति जो ख़त्म होती है वो अंदर से होती है। आपकी आत्मा खुद इस चीज़ से तृप्त होती है, आसक्ति को घटा के कुंद नहीं होती। आपने एक मिनट के लिए आपने आसक्ति ख़त्म करनी शुरू करी कि आप ज़्यादा महंगे भौतिक सामान के पीछे पागल नहीं होंगे, आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहोगे, तो आप उसमें वाकई में संतुष्ट रहोगे। आपके घर में कोई भी आता है, आप किसी के भी घर में जाते हो, उसका बढ़िया सजावट देखते हो, घर की साजो सामान देखते हो, तो आप व्याकुल नहीं होगे। आपके अंदर इस बात की कंटेंटमेंट होगी कि जो भी है ये चीज़ें यहीं रह जानी है, और मेरे पास जो है मैं उससे तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को ये चीज़ें मेरे अंदर वो व्याकुलता पैदा नहीं कर रही।
वो घबराहट पैदा नहीं कर रही, वो जलन पैदा नहीं कर रही, वो होती है सही मायने में घटती हुई आसक्ति। आप जो भी घर में नॉर्मल खाना खा रहे हो, आप कहीं पे जाते हो, किसी को देखते हो, कोई अपने लिए कुछ खाने को लाया, कहीं कुछ लाया, उसको देख के अगर आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि अरे यार मैं तो घास फूस खा रहा हूँ, मैं तो जो है नमक से रोटी खा रहा हूँ, मेरा तो खाना भी क्या खाना है, जानवर जैसा खाना है, इसका खाना देखो कितने बढ़िया पकवान खा रहा है, तो यहाँ आपकी आसक्ति बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे के भोजन तक में अपनी निगाह डाल रही है। पर जहाँ आप दूसरे का भोजन देख के भी आपके अंदर ये तृप्ति हो रही है कि जो वो खा रहा है वो उसकी वो है, जो भी है, जो मैंने खाया है मैं उसमें तृप्त हूँ, तो ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ना ये कोई ऐसे मंत्रों द्वारा अचीव किया जा सकता है, ये आपको अपने कर्मों में ये बदलाव लाना होगा और छोटी छोटी चीज़ों के में तृप्त होना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों पे लड़ने की बजाय, छोटी छोटी चीज़ों पे बहसबाजी करने की बजाय, इसके अलावा माफ़ करने की प्रवृत्ति पैदा करनी होगी। हम हज़ारों गुनाह करते हैं रोज़ और अपने आप को एक सेकंड में माफ़ कर देते हैं, दुनिया भर की दलील दे देते हैं, पर सामने वाले से एक गलती छोटी सी भी हो जाए तो हम उसकी यूँ कह लीजिए पीछे पड़ जाते हैं, उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, ये भूल जाते हैं कि गलतियाँ हम भी करते हैं। तो आसक्ति खत्म करने में ये चीज़ भी आती है कि आप दूसरों को से जो है रिवेंजफुल एटीट्यूड ना रखें, वेंजेंस ना रखें, उनको माफ़ करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें जीवन में, तभी तो आसक्ति खत्म होगी। आसक्ति खाली आपको भोजन की, संभोग की, भौतिक सुख साधनों की, गलत विचारों की, घमंड की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की ही ख़त्म नहीं करनी, आपको हर उस इंसान से जो आपका जुड़ाव है, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव में वे में, अगर आप नफरत भी पाल के मर रहे हो अपने अंदर किसी के प्रति, तो वो दोबारा पुनः आपको अगले जन्म की तरफ ले जाएगी, आप मोक्ष नहीं पा सकते। समस्त जीव जंतुओं को देखते हुए, समस्त परेशानियों को देखते हुए, समस्त मायावी चीज़ों को देखते हुए, समस्त लोभ को देखते हुए, इस ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज़ हमें खींच रही है अपनी तरफ, उस सब को देखते हुए, उसमें रहते हुए ईश्वर की तरफ बढ़ना, वो मोक्ष है। आज़ाद होना, अपने आप को बंधनों से दूर करना, अपनी इंद्रियों पे काबू करना, उन बंधनों को पूरा निकाल देना, उन बेड़ियों को निकाल देना जो आपको बांधे रखे हुए हैं इस पृथ्वी पे। और ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती, ये ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं होती, ये धीरे धीरे रूटीन में आती है, धीरे धीरे कंटेंटमेंट होती है। सपोज़ आपको दो सब्जी नहीं एक सब्जी मिली, आपको उसके अंदर कंटेंटेड होना सीखना होगा। ये नहीं कि आप ज़िद कर रहे हो कि अरे मेरे को क्यों नहीं गोभी की सब्ज़ी दी, उसको तो गोभी की सब्ज़ी दी, मुझे गोभी की सब्ज़ी नहीं दी, मुझे तो सिर्फ दाल दी है। तो यहाँ पता लगता है हमारी गहरी आसक्ति भौतिक सुख साधनों में, भोग में। अगर आज आपको सेक्स नहीं मिला तो आप पागल हो गए, अगर आपके पार्टनर ने आज मना कर दिया सेक्स करने से तो आप पागल हो गए कि कैसे मना किया। ये है आसक्ति भौतिक सुखों में जो हमें यहीं कैद करे हुए है। कोई भी चीज़, कोई भी ये भोग है, ये बुरा नहीं है, सही है, ये अपनी जगह, ईश्वर ने हमें भेजा ही हमारी आत्माओं को इस धरती पे है इस भोग का आनंद लेने, भोजन का आनंद लेने, संभोग का आनंद लेने, सुख साधनों का आनंद लेने, ऐश्वर्य का आनंद लेने, इज्जत का आनंद लेने, मान का आनंद लेने, और उसके अलावा हम परेशानियाँ भी झेलते हैं, दुख भी झेलते हैं, बेइज्जती भी झेलते हैं, तो दोनों तरीके के भोग हमारी आत्मा झेलती है इस भौतिक शरीर में रह के। तो उन सभी भोगों से दूर होते जाना, उनके प्रति अपनी व्याकुलता को घटाते जाना, अपने लगाव को घटाते जाना, यही मोक्ष की तरफ बढ़ने वाली सीढ़ी है। और ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको पाने के बाद ये जो आसक्तियाँ खत्म होंगी, इन आसक्तियों को धीरे धीरे ख़त्म करने के बाद ही आप उस मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ोगे, उस मोक्ष तक पहुँचोगे, यानी कि ईश्वर में विलीन होगे। और एक बारी जब आप वो कर लोगे, जब आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स करी, आप अपनी आसक्तियों को घटाते गए, संभोग की आसक्ति को, भोजन की आसक्ति को, बाकी भौतिक आसक्तियों को, भावनात्मक आसक्तियों को, तो उसके बाद जब पहले ही आप वो हटाते चले गए और मोक्ष में के आपने पड़ाव पार कर लिया, यानी कि ईश्वर में विलीन हो गए, उसके बाद तो इन सब चीज़ों के मायने ही खत्म हो जाएंगे। आपकी आत्मा के अंदर ये कॉन्शियस
ही अलग होगी, उसके अंदर ये कॉन्शियस नहीं होगी इन चीज़ों पर की तरफ भागने की या ललाए तो नहीं की, उसके जो यूँ कह लीजिए जो वो है प्री कॉन्सिक्वेंसेज कह लो, या यूँ कह लीजिए मोक्ष पाने से पहले उसके बदलाव आपके अंदर देखने को मिल जाएंगे, आपको खुद को कि आप कितना बदलते जा रहे हो। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, एक बार आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे उसके बाद तो आपने कहीं जाना ही नहीं है, ना आपका कोई अगला जन्म होना है, ना आपको किसी ने देखना। अगर ईश्वर ने ही इस चीज़ का आपका प्रारब्ध बनाया कि आपका पुनः दोबारा जन्म दिया किसी भी कारण से, किसी भी अच्छे कार्य से, जैसे वो अपनी उच्च बली आत्माओं को भेजता है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ आप तो इस दुनिया में होगे ही नहीं, आप तो उस ईश्वर में विलीन हुए हुए होंगे। ये सब चीज़ों की तो आपको कोई नीड ही नहीं होगी। मिलन हो जाने के बाद आपका अस्तित्व जो है उस ईश्वर में मिल गया है, ज्योत में ज्योत मिल गई है, तो वहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी अलग होने की बात ही ख़त्म हो जाती है। आप दोबारा पार्ट एंड पार्सल बन जाओगे ईश्वर का, आप वो अलग इंसान नहीं रहोगे, अलग वो आत्मा नहीं रहोगे, इस बात को समझिए। तो आशा करता हूँ जिनका भी सवाल था वो इस बात को समझे होंगे, और भी लोग जो मोक्ष के विषय में इन अगर उनके मन में सवाल होंगे तो बहुत उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों कई दफ़ा टॉपिक्स आपके बहुत पुराने होते हैं और वीडियो लेट हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, कई लोगों के सवाल अभी भी हैं, बहुत पुराने पुराने आए हुए हैं, कई दफ़ा वो रह जाते हैं दिमाग से, और हर रोज़ मैं कोई ना कोई टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके कभी कोई सवाल रह गए हो तो आप ईमेल कर दीजिए, अगर वो वाकई में सवाल ठीक होगा, वीडियो बनाने लायक होगा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। पर किसी के भी ऊपर जो है, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा, ना ही किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, जो दुनिया भर के आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, इन सब की को जज करना मुझे नहीं लगता ठीक, ना मैं किसी के बारे में जज करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ, इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, आप सबको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप अच्छे कर्म करें, ताकि हम सब अंत में उस ईश्वर में विलीन हो सकें, अपने आप को सुधार सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें, सिर्फ अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें और हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकें। तो इस विषय में आप जो भी सवाल करना चाहते हैं आप ईमेल कीजिए, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वीडियो बनती जाएगी, बस कभी रह भी जाए तो आप दोबारा एक बार रिमाइंड करा दीजिए, बाकी कोशिश पूरी होगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएँ। और ये इसीलिए मैं आपके सामने हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूँ इस विषय में। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत का संकट है, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तो आप मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मेरा लॉकेट मंगवाइए, उसको पहनिए, आपकी रक्षा होगी, कवच पहनिए, आपकी रक्षा होगी, नेगेटिविटी भागेगी धुनी करने से। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। और दोस्तों हाँ, मेरे जो दूसरा चैनल है सोशल ज्ञान बाय पुलकित, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमें उस विषय में भी बहुत ज्ञान चाहिए जो इस दुनिया को चलाने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, सोसाइटी में कैसे रहना है, आपके हर तरीके के विषय, प्यार मोहब्बत के, ज़िंदगी के, ग्रोथ के, कमाई के, हर चीज़ को उसमें मैंने कवर किया है। तो आज ही सर्च कीजिए यूट्यूब पे सोशल ज्ञान बाय पुलकित और सब्सक्राइब कीजिए मेरे नए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित भवन सिंगला।